नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। राजधानी लखनऊ में जुलाई का आखिरी दिन एक तरफ नगर निगम की पोल खोलता हुआ दिखा, तो वहीं इस दिन राजधानी शमशार भी हुई। बताते चले कि कल भारी बारिश की वजह से राजधानी की गोमती नगर पूरी तरह से डूब गया, जहां मंचले युवक ने बारिश के साथ जमकर हुड़दंग किया। इस दौरान कुछ हुड़दंगी ने सड़क से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशान किया। इसी बीच एक महिला को भी हुड़दंगियों ने बैट टच किया और उस पर गंदा पानी डालते हुए इतना परेशान किया कि पीड़ित महिला जिस गाड़ी पर बैठी थी वो गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, जिसके चलते महिला भरे पानी में गिर गई। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने पुलिस से हुड़दंगियों की गिरफ्तारी की मांग की। सोशल मीडिया पर मामला वायरल होने के बाद थोड़ी देर में मामला सीएम ऑफिस तक पहुंच गया, जिसके बाद सीएम ऑफिस से दबाव पड़ने पर लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने 3 टीम गठित की। इसके बाद हुड़दंग करने वाले लड़कों की पहचान होना शुरू हुई, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए वायरल हो रहे वीडियो को खंगाला और उससे देर रात 2 हुड़दंगियों को गिरफ्तार किया। वहीं गुरुवार की सुबह यानी आज 2 हुड़दंगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब तक कुल मिलाकर 4 हुड़दंगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि उनकी पहचान पवन यादव, सुनील कुमार, मोहम्मद अरबाज और विराज साहू के रूप में हुई है। 31 जुलाई की दोपहर में हुई मूसलाधार बारिश ने लखनऊ के कई इलाके जलमग्न हो गए। इस दौरान ताज होटल के पास मरीन ड्राइव पर भी कमर तक पानी आ गया। पानी भरने के बाद कुछ लड़के बारिश का आनंद लेने लगे, लेकिन लड़के कब हुड़दंग करने लगे इस चीज़ का उन लड़कों को भी आभास नहीं हुआ। वहीं यहां से थोड़ी दूर पर पुलिस चौकी, पिंक बूथ, एसपी का दफ्तर, एडीसीपी का दफ्तर सब कुछ मौजूद था, लेकिन पुलिस नदारद थी। ये मामला सीएम ऑफिस तक पहुँचा, तब पुलिस प्रशासन हरकत में आई। बता दें कि इस घटना में पुलिस की लापरवाही बरतने में डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। इसके साथ ही इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज और 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।